फंक्शनल सेफ्टी है उस फील्ड को एक्सप्लोर करें। दे आर वेरी हाईली पेड इन द वर्ल्ड, अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक, इंडिया तक, दे आर वेरी हाईली पेड, लेकिन बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। दे आर टेक्निकल सेफ्टी, ये वो फील्ड है जो कि आप जिसको नॉर्मली कहते हैं कि सेफ्टी हेलमेट या शूज़, सेफ्टी शूज़ वगैरह, वो सेफ्टी नहीं है। ये प्योरली टेक्निकल फील्ड है और स्पेशली जो इंजीनियर हजरात हैं वो इस चीज़ को बड़ा बेसिकली समझ लेंगे। तो मैं मशवरा ये उनको दूंगा, आप उस तरफ जाएं, उस चीज़ को एक्सप्लोर करें, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त पोटेंशियल है। आप जा सकते हैं मार्केट के अंदर, चाहे वो आइलैंड गैस हो, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो जो है ना आपका एयर स्पेस हो, मतलब वो एक बड़ी वास्ट फील्ड है। टेक्निकल फील्ड जो है ना, टेक्निकल सेफ्टी, वो एक बड़ी वास्ट फील्ड है। जबकि जो लोग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी या पर्सनल सेफ्टी या वर्क सेफ्टी की तरफ आ रहे हैं, वो एक लिमिटेड भी हो जाती है आगे जाके, और सिर्फ आप उसको नज़र आएगी आपको कंस्ट्रक्शन में, आपको ऑयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन में या कुछ प्रोडक्शन प्लांट में, जबकि वो भी उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो बहुत आगे जा रही है। तो प्लीज़ उसको देखें, आप उसको एक्सप्लोर करें और आगे जाएं आप ना। इंशाल्लाह अगर आप फर्दर कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आलम के थ्रू या इस चैनल को आप जो है ना वो सब्सक्राइब करें और इसके थ्रू आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। वी आर जस्ट किया इन्होंने कि आप लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं हमारे, जो सेफ्टी को एज ए फील्ड या एज ए प्रोफेशन अपनाना चाह रहे हैं, तो वो प्रोसेस सेफ्टी की तरफ जाएं, इंस्ट्रूमेंटल सेफ्टी की तरफ जाएं, वो इन चीज़ों की तरफ जो है वो जाएं। तो आप ज़रा बताएंगे कि उसके लिए कौन से कोर्स, फॉर एग्जांपल प्रोसेस सेफ्टी के लिए या फंक्शनल सेफ्टी के लिए, बिल्कुल कौन से कोर्सेज जो है हमारे ग्रेजुएट कर सकते हैं और ये कहाँ से कर सकते हैं? देखें, उसके लिए डिफरेंट कोर्सेज होते हैं जो कि एक रिकग्नाइज कोर्सेज होती हैं। एक सबसे जैसे मैंने कहा कि वो सर्टिफाइड फंक्शनल सेफ्टी इंजीनियर, जो कि कोई इंजीनियर ही कर सकता है, मतलब इट्स नॉट ईजी, इट्स नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट्स नीड अ लॉट ऑफ रीडिंग, तो वो करें। उसके बाद इसी तरह जो है ना वो कैनेडियन का एक इसी तरह है, उसको कहती है लोग सेफ्टी इंजीनियर या प्रोफेशनल इंजीनियर है। उसके बाद जो है ना जो लोग इस तरह फील्ड पे आना चाहती हैं वो PHA कहलाता है, प्रोसेस हैज़र्ड एनालिसिस, HAZOP कहती हैं उसको हम लोग। उसके बाद मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं वर्ल्ड वाइड, जिनकी आप ट्रेनिंग और अवेयरनेस लें, जो कि उस टेक्निकल सेफ्टी के बारे में आपको बताते हैं कि आप टेक्निकल सेफ्टी जो है ना वो किस तरह करें। ये मतलब एक जस्ट एक स्टार्ट है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा हूँ कि एक्सप्लोर करें आप चीज़ों को, उसके अंदर भी विद इन अ प्रोसेस सेफ्टी, विद इन अ टेक्निकल सेफ्टी, उसके अंदर भी फिर ब्रांचेस निकलती हैं आपको। लॉस प्रिवेंशन इंजीनियरिंग है आपको, फायर एंड सेफ्टी है आपको, जो है ना वो HAZOP स्पेशलिस्ट हैं आपके पास, रिस्क असेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं आपके। उसके बाद जो है ना आपके जो ये होते हैं जिसको कहते हैं आप PHA स्पेशलिस्ट हैं, मतलब मुख्तलिफ लोग हैं, PSM स्पेशलिस्ट हैं, तो मुख्तलिफ उसके अंदर ब्रांचेस निकलती हैं, तो वो एक लिमिटेड फील्ड नहीं है। और फिर हर इंडस्ट्री की थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, वो फ्यूचर के अंदर, नियर फ्यूचर के अंदर वो जॉब्स बहुत ज़्यादा निकलेंगी, जहाँ जहाँ जो जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। मैं जब इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स आई एम सॉरी, पाकिस्तान के अंदर अभी तक उस लेवल की इंडस्ट्री नहीं गई, कुछ चंद इंडस्ट्रीज हैं, इंग्रो हो गई या कुछ FSC हो गई, जिनके अंदर ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। लेकिन मिडिल ईस्ट, वर्ल्ड वाइड, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जिसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट मौजूद हैं, वो आज से नहीं, पिछले 40 साल से वो काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो इसमें ये मैं ये ऐड करना चाहूँगा, जैसे अजमत साहब ने बोला भी है कि सॉफ्टवेयर की तरफ आप जो भी फील्ड चूज़ करते हैं, तो आप अभी जो IT से रिलेटेड जो चीज़ें हैं हर फील्ड के अंदर वो टॉप प्रायोरिटी है, तो आप उस अपने उस स्पेसिफिक फील्ड का सॉफ्टवेयर पे जो है आपका एक्सपीरियंस और आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उम्मीद है कि हमारी आज की ये डिस्कशन जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। बहुत शुक्रिया।